कर्नाटक में अप्रैल और मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर उसकी सत्ता में वापसी होगी। इसी के चलते राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों के तीर चलने लगे हैं। इस जंग में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस के हिंदुत्व फॉर्मूले पर वार करते हुए राहुल गांधी के मंदिर दर्शन को मनोरंजन का दर्जा देकर खोटा हिंदुत्ववादी करार दिया है। अनंत कुमार का कहना है कि संघ को हिंदुओं की उत्पत्ति के बारे में समझाने में 60 से 70 साल लग गए। कम से कम राहुल गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को तो अब इस बारे में समझ आ ही चुका है कि हिंदुत्व एक संस्कृति है, जिसे निरंतर अभ्यास करने के बाद ही समझा और सीखा जा सकता है। हेगड़े ने राहुल को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए कहा कि सिर्फ एक बार खुद को हिंदू कह देने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए अनंत कुमार हेगड़े का कहना था कि हिंदुत्व या राष्ट्रवाद की बातें करना ही काफी नहीं है, इसे अमल में लाएं और तभी आप इस खून का सम्मान करेंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने राहुल गांधी पर हमला ऐसे समय में बोला है जब हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव और कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी को मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए देखा गया है।